नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम ट्विटर इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। चलिए देख लेते हैं 2 रुपए के स्पेनिश स्टॉक के बारे में। और बहुत पहले आई थिंक 1.5 साल पहले स्टॉक आपको 1 रुपये नहीं 70-80 पैसे का सजेस्ट किया था। अच्छा खासा हमने गेन स्टॉक में बुक ऑलरेडी कर लिया है। अब ये स्टॉक आपको सभी को पता है कि एक हाई राइज का पैटर्न होता है। हाई राइज का पैटर्न का मतलब क्या होता है कि स्टॉक लगातार नए हाईज बनाता है, लोज को रिस्पेक्ट करता है। और जब भी कोई स्टॉक एक नया हाई बनाता है वो रेंज बाउंड चले जाता है, मतलब कंसोलिडेशन फेज में चले जाता है। तो वहां पर स्टॉक को आपको बाय नहीं करना, वेट करना फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। जैसे स्टॉक ऑलरेडी अपने हाई से 60-70% करेक्शन दिखा चुका है। किसी भी एक अच्छे स्टॉक का मल्टीबैगर बनने का जो प्रोसेस होता है, समझिए बात को, अभी आपको दिखाऊंगा चार्ट में। बेसिकली अगर स्टॉक ने हाई बनाया है 200-300% गेन दिया है बॉटम से, तो वो स्टॉक कम से कम अपने टॉप से, नॉट लो से नहीं, टॉप से 70-80% का करेक्शन एटलीस्ट दिखा दे, उसके बाद स्टॉक को बाय करें। और 80-90% स्टॉक्स में आपको ये आप बोल सकते हो प्रोसेस या फिर मतलब ये सिस्टम देखने को मिलता है, राइट। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जो बातें बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो, रूल्स को फॉलो करो, ठीक है। रूल्स क्या होते हैं पेनी स्टॉक, आप सभी को पता है, जो ट्रेडिंग में यूज करते हैं वही कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। तो वो मैं आपको बाद में बतलाऊंगा, वो सब बतलाता रहता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी मैं बात करता हूँ ये स्टॉक के बारे में, जो स्टॉक है अभी इसमें क्या क्या हमारे पॉइंट्स है। जैसे कि ऑल टाइम लो में ट्रेड कर रहा है, डेट फ्री शेयर है, शुड यू बाय या होल्ड, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से होल्ड करो, बाय करो भाई, ठीक है। कंपनी मेकिंग गुड प्रॉफिट, यस, कंपनी के छोटे मोटे प्रॉफिट आ रहे हैं जो मेरे हिसाब से डिसेंट है, एटलीस्ट इन सम पॉइंट की यार पेनी स्टॉक है उसके लिए ठीक होता है अगर 1-10 लाख के प्रॉफिट आ रहे हैं। लेकिन लोगों को नहीं लगता कि ये छोटे प्रॉफिट है, लेकिन फ्यूचर में ये प्रॉफिट करोड़ के भी हो जाते हैं। ध्यान को रख लेना इस बात को, आप करोड़ रुपए के प्रॉफिट भी हो जाते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जिस स्टॉक की बात कर उसको मेगा कॉप बोला जाता है, और आप क्लियर देख सकते हो, ठीक है। 1 साल का अगर आप चार्ट देखोगे तो स्टॉक रेंज बाउंड में है, मतलब 1 ईयर का देखोगे तो मैंने गलत खोल दिया, 1 सेकंड, ठीक है। 48% का करेक्शन दिखा चुका है। जैसे मैंने बोला अगर हाई से स्टॉक बहुत सी करेक्शन दिखा रहे थे, हाई इसका है 4.80 रुपए, और इसने हाई से ऑलमोस्ट 70-60% का गेन वो करेक्शन दिखा दी। लेकिन एकदम हाई से पकड़ोगे उसका 4.70 रुपए का हाई, वहां से स्टॉक ने ऑलमोस्ट आप खुद देख सकते हो अच्छी खासी 60% की करेक्शन दिखा चुकी है। 60% बहुत है, 60-70%, ठीक है। तो ये एक डिसेंट करेक्शन है जहां स्टॉक को दोबारा बाय कर सकते हैं। लेकिन अब बाय करने का प्रोसेस क्या होता है, जब स्टॉक दोबारा से रेंज बाउंड हो जाए, मतलब एक रेंज में घूमने लगे, देखो जैसे टाइम बिता रहा ना 1 महीने में, देखो यही, तो ये रेंज बना ले, तो इस रेंज में स्टॉक को पकड़ो और स्टॉप लॉस के साथ काम करो, ठीक है। स्टॉप लॉस के साथ काम करो, मेरे हिसाब से ये एक अच्छा खासा गेन मतलब रेंज बन रही है, सपोर्ट एरिया के आसपास भी है, 2 रुपए का सपोर्ट एरिया। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो मैंने जैसे पहले ही बोला हुआ, स्टॉक में स्टॉप लॉस बनता है 1 रुपए के आसपास, मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली 1 रुपए नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हो, ये जो रेंज बना रही है, देखो ये देख सकते हो सपोर्ट एरिया है, ठीक है। ये नंबर वन सपोर्ट है एंड सेकंड सपोर्ट एरिया, तो ये जो रेंज है ये आपका स्टॉप लॉस जाएगा। ये मैंने बात बोली थी और अभी भी मैं बोलूंगा, और यही स्टॉक को आप बाय कर सकते हो इस रेंज में, स्टॉक को आप बाय कर सकते हो इस रेंज में, ठीक है। इस रेंज में स्टॉक को बाय करो, ये स्टॉप लॉस जाएगा मेरे हिसाब से। स्टॉक यहाँ से आपको अच्छा डिसेंट गेन दिखा सकता है, और अपने देखो ऑल टाइम रेजिस्टेंस को इसने रिटेस्ट किया था पहले भी, ठीक है। बाकी अगर स्क्रीन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो बात मैंने पहले बोली थी आपको, वही बोलूंगा, बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है और उसके आसपास है, आरओसी को पॉजिटिव है। साथ में अगर आप इसका श्योरिटी पैटर्न देखोगे तो देखो यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग 54% है, ठीक है, 51% है, बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए अभी भी कह रहा हूँ अच्छा स्टॉक है, स्टॉप लॉस के साथ यू कैन बाय, यू कैन पुट अ सिंपल स्टॉप लॉस जो मैंने आपको बताया, और स्टॉक आपको यहाँ से आराम से जो अपना ऑल टाइम हाई है उसको रिटेस्ट करते हुए दिखेगा, मेरे साथ रिटेस्ट कर सकता है भाई। बाकी आप एक बार कुछ की स्टडी ऐड कर लेना, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, अगले बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।